में आप रुकिए, पता नहीं यहाँ पे पलक तिवारी पलट पलट कर किसे देख रही है। और इब्राहिम अली खान मुंबई के एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए क्यों नजर आ रहे हैं थोड़े अलर्ट। वेल, जिनके डेटिंग रूमर्स छाए हुए हो उन्हें ऐसे ही संभल संभल कर चलना होता है। इस स्टोरी में आगे हम आपको बताएंगे कि रूमर लव बर्ड्स पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान मुंबई के एक रेस्टोरेंट में क्यों गए थे, और ये भी कि क्या दोनों एक ही कार में पहुंचे थे यहाँ। पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान के साथ कुछ और स्टार किड्स ने अटेंड की करण मेहता की बर्थडे पार्टी, लेकिन इस बर्थडे सेलिब्रेशन की सारी लाइमलाइट चुरा ले गया बी टाउन का ये रूमर्ड कपल। जी हाँ, बात हो रही है श्वेता तिवारी की डॉटर पलक तिवारी और सैफ अली खान के सन इब्राहिम अली खान की। दोनों ब्लू कलर की इस कार में एक साथ उस रेस्टोरेंट में पहुंचे जहां रखी गई थी पार्टी, हालांकि दोनों ने ही अलग अलग एंट्री ली। जहां तक बात है दोनों के अलेज्ड लिंकअप की, तो बता दे कि पलक इब्राहिम को जस्ट फ्रेंड बता चुकी है। पलक ने अपने एक इंटरव्यू में इब्राहिम के साथ रिलेशनशिप पर बात करते हुए कहा था, ही इज अ फ्रेंड, आई डू लाइक बम्पिंग इनटू हिम एट सोशल, लाइक वेयर एवर वी आर गोइंग, अगेन म्यूचुअल फ्रेंड्स, बट इट्स नॉट लाइक वेयर एवरी डे लाइक हेलो व्हाटएवर, बट या ही इज समबडी दैट आई एम फॉन्ड ऑफ। इस बर्थडे बैश में पलक और इब्राहिम के अलावा पूजा बेदी की डॉटर अलाया एफ और अनुराग कश्यप की डॉटर आलिया कश्यप को भी स्पॉट किया गया, लेकिन जिन्होंने अपीयरेंस से बनाई सबसे बड़ी हाईलाइट वो तो पलक और इब्राहिम अली ही थे। वर्क फ्रेंड की बात करें तो पलक तिवारी सलमान खान स्टारर किसी का भाई किसी की जान से बॉलीवुड डेब्यू कर चुकी है, जबकि इब्राहिम ने करण जौहर की अपकमिंग फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपने फिल्म करियर की शुरुआत की है। Get a chance to feature on Zoom TV. Ho ja Zoomify.